गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो आज हमारा हिंदी की लेक्चर का सेकेंड डे है। आज हमारी दूसरी क्लास लग रही है, तो आज आपका टॉपिक है हिंदी का नदी पर निबंध। क्या टॉपिक है? नदी पर निबंध। नदी के बारे में लिखना है कि नदी क्या होती है, नदी कहाँ से आती है, नदी में कहाँ से पानी आता है और नदी किस काम आती है। ठीक है, नदी के बारे में तो आपने सुना ही होगा नदी क्या होती है। ठीक है, तो नदी पर निबंध आपको ये क्या करना है, अपनी फाइल को ओपन करना है और अपनी फेयर नोटबुक को ओपन करना है और फाइल में से देखकर, फाइल में आपको निबंध लिखा हुआ है, फाइल में से देखकर आपको क्या करना है, अपनी फेयर नोटबुक पे से लिखना है और लर्न करना है, अच्छे से लर्न करना है। और जैसे स्टेंजा बने हुए हैं, फर्स्ट स्टेंजा के बाद आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ के सेकेंड स्टेंजा स्टार्ट करना है, ऐसे करके आपको टोटल 4 स्टेंजाज हैं, आपको चारों स्टेंजा को प्रॉपर अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, सो नदी पानी की एक बड़ी धारा है, इसको अच्छे से रीड भी करना है आपको, एक एक वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंस करना आना चाहिए आपको। सो नदी पानी की एक बड़ी धारा है। नदी आमतौर पर एक पहाड़ या झील से एक समतल भूमि पर आती है। पहले पानी की कई बहुत संकरी धाराएं एक साथ मिलकर एक बड़ी धारा बनाती है। यह धारा अपने मार्ग में धीरे धीरे चौड़ी हो जाती है। इसके रास्ते में यह अन्य छोटी नदियों से जुड़ जाती है, उन्हें इनकी सहायक नदी कहा जाता है। अंत में नदी समुद्र, झील या किसी अन्य नदी में गिर जाती है। नदी का मुंह बहुत चौड़ा हो जाता है। एक नदी आमतौर पर पहाड़ों पर बर्फ के पिघलने से अपना पानी प्राप्त करती है। हाँ जी, पहाड़ों पे जब बर्फ पिघलती है ना, तो क्या होता है, उसका पानी पिघलकर नदी में मिल जाता है और वहां पर पानी आ जाता है। कभी कभी इसे बारिश द्वारा भी पानी मिलता है। बारिश होती है तो क्या है, नदी में पानी आ जाता है और नदी भर जाती है। ऐसे करके आपको क्या करना है, ये चारों स्टेंजर्स लिखने हैं, अपने FNB में लिखने हैं, बहुत सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है और कलरिंग भी करनी है प्रॉपर मैनर से। ठीक है, और क्या करना है, इसको अच्छे से रीड भी करना है और लर्न भी करना है। थैंक यू।